Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. All light, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your mood right. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, man. Feel like I'm just, I don't need much of a rest, no. Who are you testing? Focus, enter, here's your list, no. Life in a test, taking shots with all your breath, no. Feel like I'm damn, man. Even though you fucking play. तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी M4A1 की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले जो टिप्स है, मतलब आपको कौन सी गन की स्किन इक्विप करनी है अगर आपके पास हो, तो जो बेस्ट स्किन है वो है M4A1 स्क्रॉचिंग सैंड्स, मतलब ये वाली। तो इसमें आपको 1 damage और डबल रेट ऑफ फायर प्लस देखने को मिलता है। तो ये बेस्ट स्किन है M4A1 की। और भी स्किन जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि स्टोर में अभी भी अवेलेबल है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी वेनम वाली स्किन है वो भी सेम इसी तरह, मतलब उसमें भी डबल रेट ऑफ फायर इंक्रीज हुआ और 1 damage, बट इसमें रेंज माइनस और उसमें मैगजीन माइनस है, फ़र्क इतना है बस। तो आप दूसरी स्किन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैजिकल गर्ल M4A1, मतलब जो कि ये पिंक कलर की है, इसमें डबल एक्यूरेसी मतलब इंक्रीज हुई है और 1 damage और रिलोड स्पीड माइनस है। तो ये भी बेस्ट स्किन है बिकॉज इसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी। नंबर 2 की बात करें तो वो है सेंसिटिविटी, मतलब आपको कौन सी सेंसिटिविटी रखनी है अगर आप M4A1 यूज़र हो। तो आपको ऑलवेज सेंसिटिविटी हमेशा 100 ही रखनी है, बिकॉज इससे जो आपका ड्रैग है वो बहुत ही फास्ट होगा और आपका जो मूवमेंट है, मतलब जो फायर है उसका भी मूवमेंट बहुत ही फास्ट होगा। तो इसलिए आपको जो मतलब सेंसिटिविटी ऑलवेज 100 रखनी है। नंबर 3 टिप्स की बात करें तो वो है यूज़ बाईपॉड, अगर पॉसिबल है तो आपको बाईपॉड यूज़ करना है। देखो मैं यहाँ पे फॉरग्रिप से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो वो गोली है वो 20 के बाद जो है मतलब रिकॉइल होना चालू हो जाती है। अगर वही सेम चीज़ मैं बाईपॉड के साथ करता हूँ तो उसमें मतलब 22 पे चालू हो जाती है, पर अगर आपके पास लेवल 3 का फॉरग्रिप नहीं है और अगर आपको बाईपॉड मिले तो आपको बाईपॉड ले लेना है, बिकॉज इसका एक एडवांटेज आपको जब मिलेगा, जब आप क्राउच होकर या प्रोन होकर चलाएंगे तो ये जो गोली है बिल्कुल भी रिकॉइल नहीं करेगी अगर आप बाईपॉड यूज़ करते हो। तो आई होप आपको टिप्स अच्छी लगी होगी। तो आपको टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताना। बात करें टिप नंबर 4 की, तो हमारी टिप नंबर 4 है। सो गाइस, आपको टिप नंबर 4 में करना ये, मतलब जो बहुत सारे प्लेयर होते हैं वो जो फ्री, मतलब हमारी M4A1 की एमओ है या कोई भी गन है, उसकी सारी मैगजीन एक ही बार में स्प्रे कर देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो स्प्रे करना है वो होल्ड करके करना है, मतलब अगर आप होल्ड करके फायर करते हो तो जो रिकॉइल है वो बहुत ही कंट्रोल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो 20 गोली के बाद है वो रिकॉइल करने लग जाती है, तो आपको जो वहाँ पर थोड़ी देर स्टॉप हो जाना है, तो इससे जो रिकॉइल कंट्रोल होगा। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 टिप्स है, हाँ मतलब आप ड्रैग कैसे कर सकते हो M4A1 में। तो गाइस, ये बहुत ही ईजी है इसमें ड्रैग करना। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका फायर बटन है उसको ऊपर के साइड आपको मतलब मूव करना है या फिर खींचना है, तो इससे आपका ईजिली ड्रैग लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितने ईजिली खड़े खड़े हेडशॉट मार रहा हूँ, तो आप भी ऐसे हेडशॉट मार सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।